आए यहाँ पर 70 डेज हो गए, सब चीज़ सिखाते हैं, व्हील चेयर आपको कैसे चलानी है, एक्सरसाइज सब चीज़ का करवाते हैं। जितनी मेहनत एक्सरसाइज करोगे जितना रिकवर आएगा। बाहर प्राइवेट में करवाता तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क बहुत अच्छा है। भारत सरकार द्वारा स्टेट स्पाइनल इंजरी सेंटर SSIC को स्थापित करने की प्रक्रिया वर्ष 2015-16 से चल रही है। SSIC को वर्ष 2020-21 में सिप्डा के उपयोजना में विलय कर दिया गया था। भारत सरकार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों में व्यापक पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना चाहती है। इस कड़ी में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर वर्ष 2017 से ही सिप्डा के अंतर्गत SSIC के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्पाइनल इंजरी वाले आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास के लिए इस सेंटर में 12 बेड निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा उपकरण की खरीद के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा 12 बेड वाले समर्पित वार्डों की स्थापना हेतु लगभग 56 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। 1,000 रुपए प्रति बेड प्रतिदिन के दर से प्रति वर्ष 10 बेड्स के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। बाकी के 2 बेड का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। यहाँ पे सब कुछ निशुल्क है। हम स्टाफ लोग हैं यहाँ के, जो भी टीम है डॉक्टर की, वो लोग बहुत बढ़िया हैं। हमें यहाँ दवा का फैसिलिटी है और एक्सरसाइज ये सब का फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर में प्रतिदिन 500 से ज्यादा मरीज आते हैं जिनका निशुल्क इलाज होता है। यहाँ OPD सेवाओं के अलावा डायग्नोस्टिक सेंटर, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर एवं कैलिपर्स और लिंब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हैं। सेंटर के कैंपस में स्थित NGO के साथ मिलकर ये सेंटर दिव्यांगजनों को ADIP योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण उपलब्ध कराने में सहयोग करती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 9 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं और प्रतिवर्ष 100 से अधिक पैरामेडिक्स इंटर्नशिप के लिए आते हैं। भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता राशि ने सेंटर की पुनर्वास सेवाओं को और भी उन्नत और आधुनिक बनाया है। भारत सरकार की इस पहल ने सेंटर को और भी निष्ठा से काम करने को प्रेरित किया है। आशा है कि आगे चलकर और भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जन सेवा में भारत सरकार का साथ देंगे।